हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं रस्तान इलेक्ट्रिकल। आज हम जानेंगे कि 3 HP की 36 स्लॉट मोटर को रिवाइंड कैसे करें। इस प्रकार की आटा चक्की मोटर के रिवाइंडिंग का यह पहला वीडियो है। इस मोटर की फुल रिवाइंडिंग हम कई पार्ट में दिखाएंगे। इस पार्ट में हम स्लॉट पेपर इंस्टॉल करना बताया है, इसको किस प्रकार से सही नाप का काट कर इस इंस्टॉल किया जाता है। तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए, इस प्रकार से आपको स्लॉट पेपर इस नाप के काट लेने हैं, जिस प्रकार से आप पुराना स्लॉट पेपर जो निकलता है रिवाइंडिंग को बाहर निकालते वक्त, जो स्लॉट पेपर आप निकालते हैं उसमें से एक स्लॉट पेपर को सही सलामत निकाल लीजिए और इस प्रकार से माप कर अच्छे से एक नया पेपर काट लेना है। फिर इसके बराबर कई सारे पेपर, जितने स्लॉट है आपके उतने पेपर काट सकते हैं। इस मोटर में 36 स्लॉट है, इसलिए हमने 36 अलग अलग पेपर काट कर तैयार कर लिए हैं, और जिसमें से प्रत्येक पेपर को इस प्रकार से आपको मोड़ना है, दोनों तरफ से मोड़ लेना है और मोड़ कर कैंची की सहायता से इसको अच्छे से दबा देना है ताकि ये वापस सीधा ना हो। तो इस प्रकार से आपको कैंची की सहायता से इसको दबा देना है अच्छे से, और दबाने के बाद में इसको मोटर में फिट किया जाता है। इसको इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद में इस प्रकार से आपको पकड़ना है, और पकड़कर इस 36 स्लॉट की इस मोटर के अंदर आपको इस प्रकार से लगाना है। देखिए हम किस प्रकार से सभी स्लॉट पेपर को तैयार कर लिया है, और इसके बाद हम इस प्रकार से एक एक स्लॉट पेपर लेते जाएंगे और सभी स्लॉट के अंदर ये स्लॉट पेपर इंस्टॉल कर देंगे। तो इस प्रकार से स्लॉट पेपर इंस्टॉल किया जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगले पार्ट देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए नया पार्ट आते ही। इस मोटर की बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो वीडियो के शुरुआत में जो चार्ट दिखाया गया है उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक बात और, इसका जो स्टेटर साइज है वो लगभग 3 इंच है। इस मोटर को एक एक जानकारी के साथ फुल रिवाइंड करके हम दिखाने वाले हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसकी जो रनिंग कॉइल है वो इंस्टॉल करके बताएंगे, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सभी पेपर डालकर इंस्टॉल कर लेने हैं, और इस प्रकार के फर्मे पर जो कॉइलें हैं वो बनाई जाती हैं। ये फर्मा आपके मार्केट में जो रिपेयरिंग की दुकान होती है, जो इलेक्ट्रिक उपकरणों की रिपेयरिंग करती है, जैसे मोटर वाइंडिंग वगैरह करते हैं, उनके पास मिल जाएगा। और इस प्रकार से इसमें जो कितने टर्न लगाने हैं ये आपको चार्ट में दिखाया गया है, और चार्ट में आपको नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।